तो सभी मैसेज करने लगे कि आप लोग जो है ऋतु का बर्थडे क्यों नहीं मनाए, अपना तो बर्थडे मनाते हैं, अपना एनिवर्सरी मनाते हैं, कोई ऐसा ओकेजन नहीं होता है जो आप लोग सेलिब्रेट नहीं करते, उसमें पार्टी नहीं करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी, आज तो माँ चली गई है अपने मायके और लगभग 4-5 दिन तक तो वहाँ पर उनका स्टे होगा। उनके जाने के बाद जो है घर तो सोना लगेगा ही जी, और बिल्कुल। और हमारा बाबू जो है सबसे ज्यादा मिस कर रहा है उसको। जिया यहाँ पर जो है सारा बेड सब ठीक कर रही है। कुछ सामान सब लाना था दुकान से, जा रही है लाने। हाँ, अभी बाबूआ गया है नीचे अपने बाबा के पास। हाँ, सोचे जल्दी से बेड ठीक कर लेते हैं, अभी मौका है। 3 minutes later। नमस्ते अंकल। हाँ, बस बढ़िया। अनाज लेके आए हैं, हम दे देंगे, कोई चीज नहीं, झोला लेने आदत डालिए। क्या तो हॉर्लिक्स होगा, दे देना वो भी, पैक ही दे दो, रिफिल वाला। क्रैक जैक नमकीन बिस्किट देना। तो क्रैक जैक दो दे दो, बड़ा वाला पैकेट नहीं है, बता देना कितना हो सकता है। ले लिया जी सारा सामान जो भी लेना था, और क्योंकि आदत तो है नहीं यहाँ पर कि कुछ भी कैरी बैग लेकर के आए, और तो उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो है वह लागू हो चुका है। और आप लोग बताइएगा आपके सिटी में क्या हाल है, क्या यह इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया ग्राउंड पर, क्योंकि जी नोटिफिकेशन तो निकलता रहता है और कई सारी दुकान पर जो है बस फिर भी वैसा चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ कि ग्राउंड पर भी लागू हो गया है। और मुझे लगता है कि सरकार का ये अच्छा कदम है। तो यहाँ पर तो हमारा लग गया जी दूध, और क्रियांश जो है अभी अंदर में सो रहा है, तो हम लोग को फुर्सत मिला हुआ है कि आराम से दूध पी सके। बाबा उसको सुला के लाए छत पर से। हाँ, टहल के आया ऊपर से। यहाँ पे देख सकते हैं बाबू उठ के तैयार है कि मॉर्निंग हो गई है। बिल्कुल जी, इसको जो है हम लोग सुला दिए थे, हम लोग तो नहीं सुलाए थे, इसके दादाजी सुलाए थे, और इसको जो है फिर बेड पर लिटा दिए, हम लोग चले आए दूध पीने के लिए। ठीक जैसे हम लोग दूध पी लिए तुरंत जग गया ये, जो हम लोगों को मौका दे रहा था कि आप लोग पापा मम्मी हम लोग दूध पियो फिर हम उठ जाएंगे। क्या है, और देखिए कुदक रहा है, कुदक रहा है, कुदक रहा है। अभी तेल मालिश इसका करेंगे, फिर अगर नहीं सोया तब इसको छत पे लेके जाएंगे। बिल्कुल यही उपाय रहेगा फिर। हैं? हाँ, है ना? चलो मालिश कर देते हैं। The next day. तो बाबू को जो हमने यहाँ पर सुला दिया है, वहाँ पर लगा दिया है तौलिया ताकि धूप जो है यहाँ पर आए नहीं। या यहाँ खाना बनाने की कर रही है तैयारी, और बाबू जो है उसको दे करके आए थे दादा के पास, तो कुछ देर वहाँ पर रहा, फिर रोना स्टार्ट कर दिया। तब हम जा करके इसको लेते आए, यही सोफा पर लिटा दिए कि सामने से देखते भी रहेंगे, और अपना काम जो यहाँ पर हिसाब बारी वह भी चलता रहेगा। A few moments later. तो जी हम आ गए हैं किचन में, और किचन में यहाँ पे हमने आटा मिला लिया है, सब्जी काट ली है, और उसके बाद अभी दाल बनाएंगे, और सोच रहे हैं मैंगो शेक बनाने का। तो पूछते हैं पतिदेव से, अगर मैंगो शेक पियेंगे तो हम बनाएंगे। तो मैंगो शेक पीजिएगा आप, ट्राई कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे, पीजिएगा तब बनाएंगे। उसका रेसा रेसा अच्छा नहीं लगता, वो भी आ जाता है साथ में। शाम में नहीं रेसा रहता है, नहीं रहेगा तो पी लेंगे आराम से। इधर जो है जिया बना रही मैंगो शेक, और इधर जो है श्रीमान उड़ चुके हैं, तब जो है मैंगो शेक कथा है पहले ही बन गया, वरना बन भी नहीं पाता है ना क्रियांश। हाँ, क्रियांश बोल रहा है। तब क्रियांश को जो है लेकर के चले जाते हैं इसके दादा के पास, वहाँ खेलेगा कुछ देर। यहाँ पर जी बनाना शेक हो गया है तैयार, बस उसको थोड़ा सा फिनिश किया जा रहा है। नीचे दे आइए डैडी और मोनू को, और रितु से पूछिएगा पिएगी तब दे देगा। ठीक है, रितु को अच्छा नहीं लगता क्या, ये डाउट है। डाउट। तो यहाँ पर जी सबका ड्रिंक तैयार है, तब लेकर के जाते हैं, साथ में जो है थोड़ा सा गुड़ भी दे दिया, जिनको लेना होगा वो ले लेंगे। A few moments later. तो जिया का यहाँ पर जो है बन रहा है परवल का भुजिया, है ना? धूप तो जबरदस्त है, क्योंकि बंद किया गया, आप लग रहा है इसमें पर्दा भी लगाना पड़ जाएगा। A few moments later. बाबू का मालिश हो गया जी, बाबू का मालिश होने के बाद अब बारी है उसके नहाने की, तो उसके नहाने के लिए जो हमने टब तैयार कर दिया है, तो यहाँ पर जो है बाबू का टब जो है तैयार है। अंदर में अभी बाबू जो है थोड़ा फीड कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, तो फिर उसके बाद जब बाहर आएगा उसके बाद करेगा नहीं नहीं। बताइए जी, आप लोगों से भी बात करते समय नहीं नहीं निकल जाता है, बाबू से बात करते करते यह सब जो सब कुछ हमारी जुबान में आ चुका है, और वही निकल जाता है जी बाकियों के सामने भी, जैसे आपके सामने निकल गया। जब तक बाबू फीड करता है जी, तब तक ऐसा करते हैं सारा पानी का बोतल जो है भर लेते हैं, पानी भी अभी ताजा ताजा आ चुका है, और जब ताजा ताजा पानी आता है तो उस समय जो है पानी जो है थोड़ा सा ठंडा भी रहता है, तो भर लेते हैं।
पानी तो यहाँ पर भर के सारा रख दिया है जी, ठीक है, ठंडा ठंडा पानी है, जब पीना हो पी लेना। और अब बारी है बाबू के नहाने की, नहाने चलना है, नहीं नहीं करना है बाबू, नहीं करना है, जवाब नहीं दे रहा है, टिकट करना तो पड़ेगा ही, चाहो या नहीं चाहो, नहीं नहीं तो करना ही पड़ेगा बाबू को। हाँ चले, एक बार तो बोल दो, एक बार तो बोल दो, लेकिन इसको लगता है नींद आ रही है। A few moments late. और ये मेरा बाबू आ गया नहा के, तौलिया में है लपेटा हुआ और मजे में है खेल रहा है ना, मजा आ रहा है बाबू को, बाल जो है भींगे हुए हैं, चलिए इसको साफ कर देते हैं, है ना। 2 hours later. तो यहाँ पर भाई साहब आए हुए हैं जी, वहाँ जो छेद देख रहे हैं वहाँ पर हमें लगाना है एग्जॉस्ट फैन, कई दिनों से सोच रहे थे लगाने का लेकिन जो है कभी लगा नहीं रहे थे, फाइनली आ गए हैं। और इसके अलावा जी घर में जो है टीवी का जो पोजीशन है थोड़ा सा ऊपर है, तो इस तरह से गर्दन को करके देखना पड़ता है, तो जिससे सुना है कि प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए जो है टीवी का भी जो पोजीशन है थोड़ा सा सही, तो वहाँ भी करवा लेंगे। इस जाले को हटा दिया गया है जी, क्योंकि यहाँ ज्यादा जो है फिट नहीं आ रहा था वहाँ पर। A few moments late. उधर एग्जॉस्ट फैन तो लग गया जी, और अब यहाँ पर जो है टीवी का पोजीशन चेंज करवा रहे हैं, पहले वहाँ पर था, अब ये थोड़ा नीचे आ गया है, और यहाँ जो ड्रिल हुआ पड़ा है तो इसके ऊपर जो है कुछ फ्रेम या कुछ भी लगा देंगे तो वह ढक जाएगा। The next day. तो जी अभी हम नहा करके हो गए हैं तैयार, और बाबू भी जो है नहा करके तैयार हो चुका है, और अभी जो है थोड़ा सा अपना भोजन पानी कर रहा है, और हम जा रहे हैं जी बाहर अपनी गाड़ी लाने के लिए। और आज है जी रितु का जन्मदिन, हाँ जी, तो आज रितु का जन्मदिन है, इस वीडियो के जरिए भी बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे रितु। तो उसके जन्मदिन के अवसर पर जो है हम लोग एक मंदिर जाएंगे, तो वही गाड़ी लेकर के आते हैं, सभी लोग चलेंगे साथ में, तो गाड़ी तो लेते आए हैं, बाकी सभी लोग धीरे धीरे अंदर से आ रहे हैं, चलो चलो। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, बुआ नीचे बैठे हुए, इधर रितु बैठी हुई है। फाइनली जी मंदिर में तो हो गए पूजा, मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो सभी लोग मिल करके देखते हैं कुछ ऑर्डर करते हैं। हमारा बाबू जो है यहाँ पर सोया हुआ है, तो इसको सोने ही देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। ये चिली बेबी कॉर्न है। अब खा करके देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है, बताते हैं। हमारा तो भोजन पानी हो गया जी, और अब जो बाबू का जो एक लिमिट था यहाँ पर एकदम शांत रहने का, वह लिमिट के लिए पूरा हो चुका है, और अब वह बहुत जोर से रोने लग गया है, तो जल्दी से अब जो है बिलिंग करवाते हैं और निकलते हैं। और यहाँ का खाना हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जी, आपको रेस्टोरेंट के ऑनर से भी मिला देते हैं, ये है राहुल भाई, और राहुल भाई जो है हमारे दोस्त भी है, हम लोग ट्यूशन था जहाँ पर कॉमन था हम लोगों का, जहाँ पर जाया करते थे, राजीव सिंह सर के केमिस्ट्री पढ़ते थे हम लोग, काफ़ी अच्छा लगा राहुल भाई, और अच्छा लगा आप ये खोले आए, सब पूरे फैमिली आए, बहुत अच्छा लगा देखो, हाँ खाना अच्छा था, स्पेशली जो मेन कोर्स आइटम था हमको लगा एकदम घर का टेस्ट है, तो आप लोग भी आइएगा जी जब भी आपको मौका मिले, क्या आपके रेस्टोरेंट का नाम बता दीजिएगा। हमारा रेस्टोरेंट का नाम है कैफे फॉरियू, जो जिसो फैक्ट्री के सामने है, आप डॉक्टर सर्वदान अगर आ रहे हैं विजिट कर रहे हैं तो उनको 10 कदम आगे ही वहाँ पे, अच्छा वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। तो कोई ना पानी पूरी शॉप भी है नीचे, द पानी पूरी शॉप के नाम है, जहाँ पे कटिहार का पहला पानी पूरी शॉप है, जिसमें 4 फ्लेवर पानी मिलता है, बहुत सारा आइटम है, आप आओ और विजिट करो, देखो कैसा है। चलिए जी नया नया आइडिया आ रहा है कटिहार में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप लोग आइएगा एक बार जरूर विजिट करिएगा, और अगर कोई बता देगा कि यहाँ 700 रुपए के चैनल से आए हैं, बिल्कुल उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, 110% के नाम से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ठीक है जी, आप लोग आइए विजिट करिए।
तो जी भाई और जिया सभी को यहाँ पर बैठा लिया है, सोचा कि एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात किया जाए, और यह टॉपिक जो है टॉपिक नहीं होना था और काफी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो सोचा कि जवाब दे दे, वैसे कमेंट कर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, इतने सारे लोग कमेंट कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि दो दिन से हमारा ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, रीजन साथ में बता देंगे। हाँ जी, हुआ क्या जी, इंस्टाग्राम पर हमने जो है ऋतु को बर्थडे विश किया था, और उसके बाद जो है मैसेज सब आ रहे थे, बधाई के मैसेज आए, चलिए अच्छा लगा, भारी संख्या में आए। और फिर उसके बाद जो है ऋतु के बर्थडे के सेलिब्रेशन का कुछ भी वीडियो नहीं आया, कुछ भी फोटो नहीं आया, तो सभी मैसेज करने लगे कि आप लोग जो है ऋतु का बर्थडे क्यों नहीं मनाए, अपना तो बर्थडे मनाते हैं, अपना एनिवर्सरी मनाते हैं, कोई ऐसा ओकेजन नहीं होता है जो आप लोग सेलिब्रेट नहीं करते, उसमें पार्टी नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग अच्छे भी देख, दीदी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई जो आपने ऋतु का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया? मैं अच्छा लगा कि आप लोग समझे कि हम कुछ प्रॉब्लम जरूर हुआ इस वजह से हम सेलिब्रेट नहीं किए, तो प्रॉब्लम क्या है वो बताएंगे। बिल्कुल जी, बता देते हैं जी। तो ऋतु का बर्थडे जो है हम लोगों ने प्लान कर लिया था, मोनू को भी बताया था हमने, और हम लोगों ने मिलकर के डिसाइड कर लिया था कि हम लोग जो है गाड़ी से जाएंगे मंदिर पूर्णिया, पास का शहर है कटिहार के बगल में। और जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी पहले से ब्लॉग देखते आ रहे हैं, हम लोग किसी भी स्पेशल ओकेजन पर जो है मंदिर जरूर जाते हैं, वैसे ही मेरा आना जाना कहीं पर होता नहीं है, तो इसी बहाने पूरा मन था कि चारों एक साथ कभी कहीं नहीं गए, इसी ओकेजन पे हम लोग घूम भी लेंगे, यही मौका है। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या जी, जिस दिन ऋतु का बर्थडे आया उस दिन उसकी तबीयत हो गई बहुत ज्यादा खराब। खराब थी तो फिर भी इन लोगों ने बोला था कि भाभी अगर ठीक रहा थोड़ा भी तो हम लोग चलेंगे, लेकिन जिस दिन बर्थडे था उस दिन बहुत ज्यादा उसका तबीयत खराब हो गया। दिन बर्थडे था उस दिन तो हम लोग गए थे ही बाहर मंदिर, और उस दिन का कुछ भी हमने शूट नहीं किया। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, ये सब गए थे, लेकिन एक और चीज का चक्कर लग गया था, वह था हॉस्पिटल का। हाँ जी, हमारा पूरा दिन जो सुबह हम 11 बजे निकले हुए थे, शाम के लगभग 6 बजे तक हमारा हॉस्पिटल का ही चक्कर कटते रह गया। थोड़ा सा निकले थे कि हॉस्पिटल जा करके तुरंत आ जाना है वहाँ से, इतना लेट तो तुमको कभी लगता नहीं था, लेट बहुत ज्यादा हो गया, तो लेट बहुत हो गया था, भूख लग गई लोगों को, फिर तुम बोले कि चलो ये बगल में किसी फ्रेंड का है, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेते हैं क्योंकि ऋतु का फर्स्ट बर्थडे था हम लोगों के साथ, हम लोगों ने बहुत अच्छे से। और जी बात भी ऐसी थी कि हम लोग सुबह से खाली पेट आए हुए थे, और फिर हम लोग चले गए उस रेस्टोरेंट, वहाँ पर थोड़ी सी पेट पूजा हो गई, फिर उसके बाद सोचे कि जाते हैं हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट ले लेंगे, लेकिन जब हम लोग हॉस्पिटल गए वहाँ पर हम लोग को रिपोर्ट मिला ही नहीं। उस समय जिस समय हम लोग गए थे 5:30 बजे के करीब, उसी समय वो एक हॉस्पिटल का इशू आ गया था जहाँ पर डिलीवरी के टाइम पे कोई बच्चा जो है उसका डेथ हो गया था, तो उसी कारण जो है पब्लिक प्रोटेस्ट सब। तो फिर हम लोग घर वापस आ गए, और जब हम वापस आए तो फिर उनको वहाँ से कॉल आया कि आप आकर के रिपोर्ट ले जाइए, तो फिर रिपोर्ट लेने के लिए गए, आते आते हमको 8:30 हो गया। बस इसी में सेलिब्रेशन जो सब सोच रखा था, इतना ज्यादा लोग पैनिक हो गए थे, और रिपोर्ट भी कुछ ऐसा आया, मतलब ऋतु का जो हीमोग्लोबिन है वह बहुत कम है, और ऋतु का जो ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट है वह भी काफी ज्यादा कम है, तो बहुत ज्यादा वीकनेस है ऋतु में, तो खाने पीने पर तो ध्यान देना ही है जी, सभी लोग मिलकर के ख्याल रखेंगे, तो यही था जी रीजन। और आप लोग प्रे कीजिए जल्दी से ऋतु पहले के जैसे एकदम रिकवर हो जाए, क्योंकि दुआओं में बहुत ज्यादा दम होता है, और आप लोग दुआ करते हैं तो बहुत काम करता है, इसलिए आप ऋतु के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हमारा 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहा है, तो यही कारण था, सब कोई परेशान थे, इस वजह से कोई ब्लॉग शूट हो नहीं रहा था, इस वजह से हमारा ब्लॉग भी नहीं आ रहा। कारण भी है ना, माँ नहीं रहती है घर में तो सब कुछ अस्त व्यस्त लगता है। माँ रहती है तो चाहे घर में प्रॉब्लम भी क्यों ना रहे तो लगता है कि चलो नॉर्मल है, माँ है तो सब कुछ सही होगा। माहौल को बहुत लाइट रखती है वो। लेकिन जी मम्मी अभी यहाँ है नहीं, मम्मी है अभी मायके में, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, और मम्मी जो है कल आ जाएगी। तो अब ऐसा करते हैं जिस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आप, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, आपके एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।